नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। दोस्तों ये हमारे से सामने दिख रहा है, ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर है। इसमें बच्चे आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर रहता है ना, उसका उपयोग किसी भी मटेरियल की कठोरता चेक करने के लिए किया जाता है। ऐसे कमानी हुई, माइल्ड स्टील हुआ, तो बहुत सारे चीज़ जो मटेरियल रहता है उसकी कठोरता या हार्डनेस चेक करने के लिए किया जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या करता है दोस्तों, किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किसी भी मटेरियल की कठोरता उस पर बनाए गए इंडेंशन की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो मटेरियल जितना कठोर होगा उस पर उस जो इंडेंटर की गहराई उतनी ही कम होगी, और जो मटेरियल जितना कठोर नरम होगा उसमें उतनी गहराई उसकी ज़्यादा होती है। यानी जो मटेरियल जितना कठोर होगा उस पर मटेरियल की गहराई उतनी ही कम होगी, और जो मटेरियल जितना नरम होगा उस पर इंडेंटर की गहराई अधिक होगी। तो ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से रॉकवेल टेस्ट की का हम यूज करते हैं। तो इस रॉकवेल टेस्ट की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें जो भी मटेरियल होता है वो डायरेक्ट सीधे स्केल पर पढ़ी जा सकती है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, उन सबका क्या काम रहता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो इंडेंटर रहता है, तो मैं आपको इंडेंटर बता रहा हूँ। देखो ये आपको इंडेंटर दिख रहा है, ये इंडेंटर दो टाइप के इंडेंटर रहते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पास में लेकर बताता हूँ। तो ये इंडेंटर दिख रहा होगा, ये वाला इंडेंटर रहता है दोस्तों, ये बॉल इंडेंटर रहता है। ठीक है ना, इसको बॉल इंडेंटर कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायमीटर रहता है वो 1.588 mm होता है, इसका जो डायमीटर रहता है। सेकेंड रहता है दोस्तों, ये रहता है डायमंड इंडेंटर। ठीक है, जो डायमंड इंडेंटर, इसको कोन इंडेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोन शेप में रहता है। ठीक है ना, इसका जो एंगल रहता है, कोन शेप का जो एंगल रहता है वो आपका, आपको पास में इसका जो कोन शेप रहता है ये दिख रहा है आपको, इसका 120 डिग्री इसका कोन शेप रहता है। और इसके ऊपर जो थोड़ा सा जो डायमीटर जैसा दिख रहा है वो 0.22 mm रहता है। ठीक है ना, तभी इसके अंदर जो इंडेंटेशन होता है। ठीक है, तो जो दो टाइप के इंडेंटर होते हैं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसके पास में ले जाके बताता हूँ, मशीन के पास में, उन सबका क्या काम रहता है। ठीक है, तो सेकेंड रहता है आपको ये वाली, आपको डायल गेज रखे दिख रहा है, ये डायल गेज रहता है दोस्तों। डायल गेज के अंदर हम रीडिंग पढ़ते हैं। जो बॉल इंडेंटर रहता है ना, उसके लिए बी वाली रीडिंग लेते हैं, और जो कोन इंडेंटर रहता है उसमें ब्लैक वाली रीडिंग लेते हैं कोन इंडेंटर के लिए, और रेड वाली रीडिंग लेते हैं हम बॉल इंडेंटर के लिए। तो जितनी भी सारी हम बॉल इंडेंटर का यूज करेंगे तो रेड लाइन लेंगे, और हम कोन इंडेंटर का यूज करेंगे तो ब्लैक लाइन लेंगे। ठीक है, इसके पास में आपको स्केल बता रहा हूँ, इसके पास में ये स्केल है, दिख रहा होगा ये स्केल ए बी सी डी, बहुत सारी स्केल लग रही। तो हम जो डायमंड इंडेंटर यूज करेंगे उस पर हम जब लोड लगाएंगे, ठीक है, तो ब्लैक लाइन पड़ेंगे। वो कौन कौन से मटेरियल के लिए यूज है, जैसे कार्बाइड, टिन, स्टील, सेलो केस, हार्डनेस स्टील, इस तरीके से 160 जो mm वाला बॉल इंडेंटर यूज लेंगे, उसके ऊपर लोड लगाएंगे हम 100 kg का, तो रेड लाइन पे हम देखेंगे। ठीक है, रेड स्केल पे देखेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय, बहुत सारे इस तरीके से इसके ऊपर रीडिंग लगी रहती है। आप इसको रोक कर मेरे वीडियो को, इसकी रीडिंग स्केल को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये स्केल रहती है। इसके बाद ये रहता है आपको एनविल, ये हैंड व्हील रहता है, उससे क्या रहता है, जो वर्कपीस हम इसके ऊपर रखेंगे वो ऊपर नीचे आने के लिए काम लिया जाता है, एनविल रहता है। और यहाँ पर हम इंडेंटर लगाएंगे, ठीक है, और इधर की साइड हम आएंगे तो इधर के लिए हम एक लोड है, ये लोड को हम लोड करेंगे और अनलोड करेंगे। तो इसके ऊपर लोड लगा रखा है, ठीक है, 60, 150, 100, 60, इस तरीके से हमको किसकी रीडिंग लेना है, 150 की लेना है, क्योंकि हमने जो कमान यूज की है वो उसकी रीडिंग रहेगी वो 150 के लगभग रहेगी। तो मैं इसको फिट करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर इसको सबसे पहले नीचे करो, ठीक है, इसके अंदर एलिवेटिंग स्क्रू रहता है, ये स्क्रू इसमें मैंने लगा दिया, ऐसे में एक ग्रू स्क्रू रहता है, उसको एलन की के द्वारा हम पहले खोल लेते हैं। एलन की से खोल लिया, इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये हमने लगाया कोन इंडेंटर, ठीक है, जो इसकी रीडिंग लेंगे वो 150 लोड हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये लोड लगा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल रहेगा या कोई भी चीज़ रहता है उसको 10 kg का माइनर लोड देते हैं।
इसको ऊपर सबसे पहले ये हमने लगा दिया। लगाने के बाद आप ध्यान देना, देखो मैं आपको एक पास पास में लेकर बताता हूँ। स्केल दिख रही है आपको? अब इसके ऊपर जो वाले स्केल दिख रहा होगा, देखो उस पर 10 किलोग्राम का रोल लोड देंगे, देखो और दिख रहा है। और इसकी पोजीशन पे हम 0 पे इसको ला देंगे, ये ठीक है। तो ये दिख रहा होगा 0 से लेकर 3 पर आया इसके, और इसकी पोजीशन 0 है। अब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे। अब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहा हूँ। लोड अप्लाई कितने का किया दोस्तों? देखो 150 का किया। इसके बाद हम इसके ऊपर अब लोड आएगा तो कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ। धीरे 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 स्केल चालू होगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों अभी रीडिंग लेना चालू हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, 0 से लेकर 90 80। इसके बाद ये क्या रहता है दोस्तों, इसके ऊपर जो हमने 10 किलोग्राम का लोड दिया, इसके बाद 150 किलोग्राम का लोड दिया ना, तो टोटल लोड हो जाता है 150 ग्राम। तो इसके अंदर 0 से लेके 1 2 3 जो जो स्केल दी दे रखी ना, 3 तक, तो इसके ऊपर जो बना है ना वो 50 ग्राम में डिवाइड कर दिया, यानी 150 लोड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो एक एक डिवीजन जो 1 पे है तो वो 50 किलोग्राम की है, सेकेंड पे 100 और थर्ड पे वो 150। इस तरीके से तीनों रीडिंग इसके ऊपर आ रही है। अब इसके बाद जब ये मूव करने के बाद रुकेगा तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो इसके अंदर डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। तो मैं इसके जो रीडिंग ले रहा है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो रोगवेल टेस्ट होता है ना, वो दोस्तों सुगमता के साथ जल्दी हो जाता है, और रोगवेल जो टेस्ट में कैलकुलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोगवेल टेस्ट से बहुत नरम मटेरियल तथा बहुत हार्ड मटेरियल भी आसानी से इसके ऊपर टेस्ट किया जा सकता है दोस्तों। प्रारंभ में जो हम पहले जो रीडिंग जो 10 किलोग्राम का फोर्स लगाते हैं ना, उससे क्या होता है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी एरर रहती है वो भी दूर हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से इसके कुछ इम्पोर्टेंट लाभ रहते हैं जो हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, मैं अब थोड़ा सा रोक देता हूँ, इसके बाद फिर चालू कर दूँ, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी इसके ऊपर एक राउंड कंप्लीट हो गया है, अब सेकेंड राउंड लगना चालू हो रहा है। तो आपको दिख रहा हो ना, 0 से के 1 2 अब 2 के लगभग आ गया है इसके, यानी दूसरा राउंड हुआ तो रिवर्स में आ रहा है ना, हमने पहले लोड अप्लाई किया। तो मैं आपको जब रीडिंग आएगी तब करके बताऊंगा। जो कमानी लगा रखी है देखो, उसके ऊपर धीरे धीरे इंडेंटर्स के द्वारा इंडेंटेशन हो रहा है। इधर धीरे धीरे चल रहा है रीडिंग। धीरे धीरे चल रही है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, तो फिर हम इसके ऊपर लोड को अनलोड करेंगे और डायरेक्ट रीडिंग इसके ऊपर कैलकुलेशन डायरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। दोस्तों देखो ये पॉइंटर बिल्कुल रुक चुका है। जब तक आपका पॉइंटर पूरा रुक ना जाए, जब तक आप इसको चलते रहें, जब पॉइंटर रुक गया है तब इसको क्या अनलोड कर रहा है। देखो इधर से जैसे ही अनलोड करूँगा, इधर से मैं जैसे ही अनलोड करूंगा उस समय रीडिंग इधर से चेंज हो जाएगी। मैं अनलोड कर रहा हूँ, देखो अनलोड करने के बाद देखो ये कितना दिख रहा है, 2 से आगे दिख रहा है ना, ये 2 से आगे दिख रहा है। तो 1 पे आया तो 50 हो गया, 2 पे आया तो 100 हो गया, 100 के बाद ये कितना आ रहा है, 30 35 32 33 35 36 37 और 37 के आगे। यानी इसका जो कमानी की जो हार्डनेस है वो 138 के लगभग है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको बताया इसकी किस तरीके से रोगवेल टेस्ट करते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू।